कहते हैं तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर कभी शिकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहावत आज की हमारी शेरनी कंगना रनौत पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती, क्योंकि फिलहाल तो हमारी ये शेरनी दहाड़ भी बहुत रही है और शिकार का तो आपको पता ही है, रोज नए नए शिकार भी कर रही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी शेरनी मतलब कंगना रनौत की प्रॉपर्टी और उनकी वेल्थ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको बहुत बड़ा शौक लगने वाला है जब आप जानेंगे कि कंगना रनौत की कितनी प्रॉपर्टी है और वो पर फिल्म कितना चार्ज करती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका फ्रेंड निक्स और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल फिल्मी निक्स पे। तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन की लंबी खामोशी के बाद अब जब अनलॉक की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है तो हमें फिल्म इंडस्ट्री की भी नई नई न्यूज हमें मिलती जा रही है कि कौन सी मूवी शूट होने स्टार्ट हो गई, क्या क्या नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, ये सभी हमको धीरे धीरे मिल रहा है। लेकिन ऐसी पूरी की पूरी न्यूज को दबाकर जो न्यूज पूरी इंडस्ट्री की कहें या फिर पूरे नेशन में ट्रेंड में चल रही है वो है कंगना रनौत की न्यूज। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ समय से कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा चेहरा है जो लगातार सब तरह की न्यूज में टॉप ट्रेंड में रह रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद चाहे नेपोटिज्म को लेके इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकर्स को घेरना हो या फिर अब ड्रग्स को लेके इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स को चैलेंज करना हो ड्रग टेस्टिंग के लिए, कंगना एक के बाद एक नए विस्फोट लगातार करते जा रही है। लेकिन ये यहीं पर खत्म नहीं हुआ, अब तो कंगना ने सीधे महाराष्ट्र के सीएम से पंगा ले लिया है और इन सब पंगों के चलते उनको काफी नुकसान भी हुआ है। उनका जो प्रोडक्शन हाउस था मणिकर्णिका फिल्म्स, उनका जो उन्होंने ऑफिस बनाया था मुंबई में, वो उनका ड्रीम भी था, उनका ड्रीम जो उन्होंने पूरा किया अपना प्रोडक्शन हाउस बना के, उसको अपनी आंखों के सामने गिरता हुआ देखना पड़ा कंगना रनौत को। तो फ्रेंड, जैसे ये सब चल रहा था जब बीएमसी उनके ऑफिस को तोड़ रही थी तभी पूरे भारत को पता चला कि मुंबई के अंदर उनकी खुद की इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है और इतना अच्छा ऑफिस है। लेकिन ये सिर्फ अकेली प्रॉपर्टी नहीं है कंगना की मुंबई में, कंगना की इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो आज की डेट में कंगना रनौत की लगभग 96 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से 3 उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, मतलब घर हैं उनके 3 खुद के और इसके अलावा उनके नाम से 2 लग्जरी कार भी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर प्रॉपर्टी में घर की बात करें तो जो सबसे पहला घर है कंगना रनौत के नाम वो है मुंबई में खार वेस्ट में, एक्चुअली एक फ्लैट है और इस बिल्डिंग का नाम है ऑर्किड ब्रिज। इस बिल्डिंग में 3 फ्लैट खरीदे हैं कंगना रनौत ने और इन तीनों को मिलाकर इनकी कुल कीमत होती है लगभग 14 करोड़ के आसपास। इसके बाद अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो कंगना की मुंबई के पाली हिल्स में 3 मंजिला एक इमारत है जिसे उन्होंने 2017 में 20 करोड़ में खरीदा था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही इमारत है जिसको अभी बीएमसी ने तोड़ा। एक्चुअली इस इमारत को कंगना ने अपने जो प्रोडक्शन हाउस था मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस कम हाउस बनाया था और 20 करोड़ में खरीदने के बाद इस पे काफी सारा उन्होंने खर्च भी किया था, जैसा कि अभी हमने मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखा। तो कुल मिलाकर इस पूरी प्रॉपर्टी की कीमत 48 करोड़ के आसपास बैठती है। मुंबई में इन 2 प्रॉपर्टी के बाद कंगना का अपने होम टाउन मनाली में भी एक 10 बेडरूम वाला बंगला है जिसे उन्होंने 10 करोड़ में खरीदा था और उसके बाद उन्होंने उस बंगले में भी काफी चेंजेस किए, 20 करोड़ के आसपास के उन्होंने चेंजेस किए और इस पूरी प्रॉपर्टी जो मनीला में उनका घर है इसकी कीमत लगभग 30 करोड़ के आसपास है आज की डेट में। तो फ्रेंड्स, कंगना के नाम पर अभी फिलहाल ये 3 इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा उनके नाम पर एक BMW 7 क्लास सीरीज की कार भी है, ये कार उन्होंने 21 साल की उम्र में ही खरीद ली थी और आज की डेट में इस कार की कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा कंगना के पास एक और कार है, वो है मर्सिडीज बेंज की GLI सीरीज की SUV, ये उन्होंने 2019 में खरीदी थी और इसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ के आसपास की है। तो फ्रेंड्स, कंगना की प्रॉपर्टी के बारे में तो आपने जान लिया, तो आप ये भी जान लीजिए कि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हालांकि ये हम सबको पता है कि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम फिल्म ही है, लेकिन इसके अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट से भी काफी अच्छी रकम कमा लेती हैं। फिलहाल कंगना इंडस्ट्री की वन ऑफ द टॉप मोस्ट पेड एक्ट्रेस हैं और पर फिल्म के लिए एट प्रेजेंट वो 17 से 18 करोड़ रुपए चार्ज कर रही हैं। कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए चार्ज कर रही हैं। इसके अलावा जो जयललिता की बायोपिक वो कर रही हैं जिसका नाम है थलारवी, उसके लिए भी वो 22 करोड़ रुपए फीस ले रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कंगना रनौत की अच्छी खासी कमाई हो जाती है और वो पर ब्रांड के 3 से 8 करोड़ रुपए तक की फीस लेती हैं। एट प्रेजेंट कंगना की 4 फिल्में कतार में हैं जो कि हैं तेजस, धाकड़, थलारवी और इमली।
हालांकि कंगना रनौत को अब पता चल गया है कि इंडस्ट्री के कोई भी बड़े मेकर्स या स्टार उनके साथ काम नहीं करना चाहते, इसलिए ही कंगना ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बना लिया है और इस प्रोडक्शन हाउस से वो नए नए कलाकारों को मौका दे रही है और उनके साथ ही फिल्म बना रही है। उनकी हर एक फिल्म का बजट लगभग 60 से 70 करोड़ का होता है, जिसमें उनकी फीस भी शामिल है। और अगर देखा जाए तो इन चारों को मिला के लगभग 200 से 250 करोड़ का दाव लगा हुआ इंडस्ट्री का कंगना रनौत के ऊपर, क्योंकि अब इतने सारे विवाद खड़े हो गए हैं। तो देखते हैं कि ये चारों फिल्में कैसे परफॉर्म करती हैं और इन फिल्मों के परफॉर्मेंस के आधार पर ये तय करेगा कि कंगना इस इंडस्ट्री का पार्ट रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी कंगना के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जिसे मुझे लगता है कि ज़्यादा डिटेल में आपको इससे पहले पता नहीं होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर लें। जल्दी ही आपसे मिलूंगा किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।